इसका जो पीछे का ड्रम सेक्शन है देख सकते हैं, ये है ड्रम ब्रेक। तो ड्रम ब्रेक में भी एक देखो पंप अटैच है, तो किस कारण से है आप अगर कमेंट में बता पाओ तो बहुत बढ़िया होगा। तो हीरो ग्लैमर 100 मिलियन एडिशन का अगर मैं पहले सर्विस के से पहले इसका जो प्रॉब्लम है मैं आपको फाइंड कराता हूँ। ऐसा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बेसिक प्रॉब्लम है क्योंकि अभी बाइक चल चुका है, अभी जो बाइक चल चुका है वो है 12,000 किलोमीटर। तो लगभग आई थिंक इसमें दूसरा सर्विसिंग नहीं हुआ है, मतलब इसमें सर्विसिंग ढंग से मतलब हुआ ही नहीं, चलो मान के चलो हुआ ही नहीं है। फिर मैं एक बार साउंड में आया, तो साउंड में दिक्कत कुछ है नहीं। मेन दिक्कत क्या है पता है, इसका इंजन कभी मतलब ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, एक्चुअली ये बाइक है फ्यूल इंजेक्शन वाला बाइक और इसे थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो तो ठीक है, बट जो बाइक है मतलब उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसका मेन प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बाइक खोलने से पहले दो हो सकता है। एक तो है बाइक ये फ्यूल इंजेक्शन वाला गाड़ी है, मतलब कार्बोरेटर गाड़ी नहीं है, BS6 इंजेक्शन है, मतलब FI गाड़ी ग्लैमर। तो इसमें एक दिक्कत हो सकता है फ्यूल पंप एंड मतलब फ्यूल पंप का जो क्लीनिंग है उसको करना है आई थिंक, ये फिर फ्यूल इंजेक्शन का। यह तो मेरा सेकेंड डाउट लग रहा है, इसका जो सर्विसिंग हुआ ही नहीं है एक बार, मतलब एयर फिल्टर वगैरह बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ है। तो इसका हो सकता है एयर फिल्टर क्लीन, मतलब एयर फिल्टर को क्लीन करने से या फिर चेंज करने से, क्योंकि 12,000 किलोमीटर चल चुका है, एयर फिल्टर का लाइफ रहता है लगभग 10,000 किलोमीटर्स, तो वो चेंज करने से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर फ्यूल इंजेक्शन काम आता है तो इसका हम टैंक खोल कर फ्यूल इंजेक्शन क्लीन करेंगे। अगर एयर फिल्टर चेंज करने से इसका रिस्पॉन्सिव वगैरह ट्यूनिंग वगैरह आ जाता है तो हम इसका जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो हम 20,000 किलोमीटर पर चेंज करेंगे, मतलब क्लीन करेंगे। अभी तो 12,000 किलोमीटर चल चुका है, ये स्क्रैचेज आ गए हैं एक दो, और यहाँ पे हैंडल थोड़ा सा बेंड हो चुका है, मतलब टेढ़ा हो चुका है। कहाँ से पहचानेंगे तरीका देखो, इसका अलाइनमेंट देखो, बोल्ड के आपका हाँ बोल्ड के पूरा पास है, इस पर देखो बोल्ड से काफ़ी गैप है, ये देखो ये काफ़ी गैप है, ये पास है, तो इससे पता चलता है कि हैंडल जो है बाइक इस साइड गिरा था, तो ये हैंडल थोड़ा सा इधर बेंड हो चुका है। बाकी इसका चलिए सर्विसिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। और ग्लैमर गाड़ी में पहले जो है आपका ये वाला जो बजाज में रहता है एक्सटर्नल ऑयल फिल्टर वो नहीं था, बट अभी इस इंजन के साथ मतलब ये काफ़ी तगड़ा इंजन है, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। इसके साथ ऑयल फिल्टर आता है, तो ऑयल फिल्टर देखेंगे बजाज का लग जाएगा या फिर हमको हीरो का लगाना पड़ेगा, वो अभी पता चल जाएगा। पहले हम इसको ऑयल डन करेंगे, नॉर्मली इसमें 17 नंबर का पाना लगता है और आप ऑयल डन कर लीजिए। और मुझे लगता है इसमें बड़ा इंजन है तो इसमें 1 लीटर का मतलब ऑयल चाहिए, तो देखते हैं कितना ऑयल इसमें ड्रेन होता है। बाकी उसके बाद इसका जो ये वाला फिल्टर है इसको हम खोल कर देखेंगे कि इसका फिल्टर कौन सा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका जो ऑयल है आपको देख के पता चल गया होगा कि ये 1 लीटर ऑयल नहीं है, मतलब आई थिंक 700 ग्राम ऑयल है। तो नया इंजन है बट फिर भी इंजन ऑयल कम निकला है, बट गाड़ी जो है धुआं भी नहीं दे रहा है, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है लेट ऑयल चेंज। भाई मतलब आई थिंक इस ऑयल के साथ 7-8 हज़ार किलोमीटर चला दिया है फिल्टर, ये देखो सत्यानाश हो गया भाई, ये रहा फिल्टर। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ये है बजाज का फिल्टर, बजाज का फिल्टर और कंपनी है मैले कंपनी का, एकदम मैले का, ये वाला मैले का है, मैले का ओरिजिनल आता है, और ये वाला फिल्टर बजाज का लग जाएगा, तो बजाज के फिल्टर इसमें डाल देंगे। ऑलराइट, जो ऑयल फिल्टर है वो हम ओरिजिनल ही यूज़ कर रहे हैं, इसका प्राइस 70 रुपीज़। तो बजाज का हम न्यू एनी, तो आई थिंक बजाज का थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये हम ऑरिजिनल यूज़ करें, न्यू मॉडल का 70 रुपीज़ इसके एम आर पी है। और लगाने का जो प्रोसेस है वो स्प्रिंग वाला मतलब ऐसे लगेगा बोले तो, इस तरीके से ये फिटिंग होगा। एक्चुअली इसमें रिकमेंड करता हूँ आप 500 मॉडल वाला यूज़ करिए, 1040, बट कस्टमर के हिसाब से थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी बढ़िया रहेगा। और इसमें लगता है 950 ml, बट आप 900 ml डाल सकते हैं, इसमें तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 1 लीटर भी डाल सकते हैं। इसकी MRP मैं दिखा दो 403 रुपये MRP है, और इसका मॉडल नंबर है मोतुल का ही 3000 गोल्ड 3040 1030। और मिक्सी और जींस के जो बोल्ट नट है ग्रीन बोल्ट उसको आप टाइट करें, अदर इस सत्यानाश हो जाएगा। इसको मैं डाल देता हूँ प्रॉपर। इंजीनियर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अभी इसका जो एयर फिल्टर बॉक्स है मतलब एयर फिल्टर है वो एक्चुअली 2 स्क्रू से टाइट होता है, 1-2 इसको खोलेंगे और इसमें क्लिपिंग रहता है, तो टैंक को खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बाहर निकल लेते हैं। मुझे डाउट लग रहा है इसका एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा हो सकता है, बट देखते हैं। और ये इसका OBD कनेक्टर, ये वाला कोई भी फॉल्ट वगैरह फाइंड करना है तो इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट और जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इसका जो एयर फिल्टर देख सकते हैं, पेपर वाला ये मतलब
क्लीन तो नहीं हो सकता, चेंज ही होगा, ये पूरा चोक हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर निकाल के, ये देखो। तो इसको हम क्लीन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये देखो इस साइड भी गंदगी आ चुका है। नॉर्मली क्या होता है, इस साइड ब्लैक होता है तो इस साइड क्लीन होता है, बट इस साइड भी डस्ट आ चुका है, मतलब ये पूरा चोक हो चुका है, देख सकते हैं। तो इसको हम न्यू लगाएंगे, ओरिजिनल ही जेन्युइन ही लगाएंगे। मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँ प्राइस। तो ये इसके एयर फिल्टर, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं हीरो का जेन्युइन। बाकी इसका प्रॉब्लम एयर फिल्टर से था, अभी मैं जस्ट मैं चेक करूँगा कि मुझे पंप मोटर खोलने की ज़रूरत है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसका रिदम चेक करेंगे, उसके बाद बाइक को मैं चला के आऊँगा, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा। पहले जो दबता था, हल्का सा दबता था ना, वो देखेंगे। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं। बाकी जो रिदम का प्रॉब्लम था वो तो सॉल्यूशन 90% हो गया है। बाकी बाइक अभी चलेगा तो ठीक है, बाइक अभी मतलब गंदा एयर फिल्टर से चला है काफ़ी देर से, तो क्लीन होने में टाइम लगेगा। बाकी अभी मैं उसको चला के दिखाता हूँ, चला के आऊँगा, उसके बाद मैं आपको एक से बता दूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। डिस्पैच की कंडीशन मैं आपको दिखाऊँगा। और ये बाइब्री कंपनी का आता है, देख सकते हैं, ऐसे 220 में आता है बाइब्री कंपनी का, उस टाइप का। तो इसके अंदर हम ओरिजिनल ही डिस्क पर यूज़ करेंगे। अवेलेबल तो मेरे पास हो ही चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा इसका डिस्क, इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है। अभी इसका हम सॉकर का काम कर रहे हैं फ्रंट का। तो सॉकर में क्या दिक्कत है, इस बाइक में सॉकर में एक ही दिक्कत है कि ये ज़्यादा दब रहा है, ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, इसलिए सॉकर ना नीचे एक पिस्टन आता है तो उसमें टच हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सॉकर कहाँ तक दब रहा है। देखो इतना हिस्सा पोर्शन चिकना है और यहाँ पे देखो लाइन आ चुका है, ये कुछ भी नहीं है, ये हाथ से मिट जाएगा, मतलब सॉकर यहाँ तक दब रहा है, मतलब सॉकर जो है ज़्यादा ही दब रहा है। तो इसका सलूशन एक ही है, सॉकर को हम, इसका जो ऑयल है, सॉकर कॉयल हमने एक तो खोल कर रखा है, सॉकर कॉयल को हमको जिस मतलब चेंज कर देना है। आप मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर चलाओ सॉकर ऑयल को, तो उसके बाद चेंज कर दो, तो क्या होगा, सालों साल आपका सॉकर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सादा अगर चला दिए ना तो अंदर का बुश है उसमें दाग आ जाता है, स्क्रैचेस आ जाते हैं, और सॉकर आपका ज़्यादा दबने के कारण वो मतलब पहले जैसा कंपनी जैसा फिटिंग परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है। तो इसका हम सॉकर का ऑयल चेंज कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ इस सॉकर में, BS6 के सॉकर में, दोनों सॉकर में कितना ऑयल डालने से प्रॉपर तरीके से सही काम करेगा। और एक सॉकर को हमने ड्रेन कर दिया है, दूसरा सॉकर का ऑयल रखा है मैंने आपको दिखाने के लिए, एज यू कैन सी कितना ऑयल कम निकला है, ठीक है, मेरे हिसाब से कितना 60-70 ml आई थिंक होगा, बट इसमें एक्चुअली लगता है 160 ml, 160 या फिर 165 अगर थोड़ा हार्ड करना है तो आप दे सकते हैं। तो सॉकर ऑयल जो है हम, जैसे पतला सॉकर है एकदम पतला, तो इसमें आप 160 ml डाल दीजिए, अगर ज़्यादा ही सॉफ्ट हो रहे तो आप 165 ml डाल सकते हैं। ये 120 और 40 ml ऐड कर देंगे हम इसमें। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऑलराइट, इसका जो फ्रंट सॉकर है वो हमने अलाइनमेंट कर दिया, मतलब अलाइनमेंट कर दिया, लगा दिया है। और इसका डिस्क पैड है, तो डिस्क पैड पहले चेंज नहीं हुआ, और जो पिस्टन कैलिपर्स है वो है ओरिजिनल बाइब्री कंपनी का। तो हीरो कंपनी भी बाइब्री कंपनी को वेंडर कर रहा है, काफ़ी सही है, क्योंकि बजाज क्योंकि बाइब्री का जो ब्रेक होता है ना भाई, मतलब ज़बरदस्त होता है, और इसका जो डिस्क पैड है वो भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसका डिस्क पैड है एक्चुअली, इसमें देखो 3 पिस्टन है, इसके अंदर 2 पिस्टन तो जाम है, मतलब 1 पिस्टन जाम है, ये वाला 3 पिस्टन का कैलिपर्स, और 2 पिस्टन इजीली बाहर निकल रहा है, तो हमको इसको सर्विसिंग करना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर डिस्क ब्रेक का जो ऑयल है वो मैंने चेक कर लिया, देख सकते हैं, हो सकता है टॉपअप करने की ज़रूरत है। और बाकी जो गंदे के देख रहे हैं ना, इसको क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो पिस्टन है इसमें ये लग सकता है, मतलब जाम हो सकता है। और डिस्क पैड का जो हालत है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये है डिस्क पैड का हालत, एज यू कैन सी। तो मैं बोलूँगा अभी चेंज हम कर देंगे, क्योंकि अभी देखो ये पतला हो जाएगा, बिल्कुल पतला, और अभी ये 500 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, चल जाएगा, बट फिर 500 किलोमीटर के बाद एक रिस्क आ जाता है डिस्क के ऊपर, डिस्क तो अभी ब्रांड न्यू है, ठीक है, अगर डिस्क के ऊपर दाग आ जाएगा,
कब खत्म हो जाएगा, कट डिस्क कर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इतना अगर पतला हो चुका है ना, आप काम करो कि चेंज कर दो। ठीक है, देखो पतला पतला हो चुका है तो चेंज कर दीजिए। मैं ओरिजिनल यूज़ कर रहा हूँ वाइब्री का, जो कि हीरो के पैकेजिंग में आता है। सो हमने डिस्क ब्रेक का जो सर्विसिंग है वो हमने कर लिया है, और यहाँ पे हमने क्लीन भी कर लिया है। तो अभी सिम क्या करना है, इसमें हमने हल्का सा ग्रीसिंग किया है, क्योंकि इसका जो कैलिपर्स है ये मूव करना चाहिए, उसके बाद इसको हम लगा देंगे। और एक्चुअली ये 3 पिस्टन का होता है, 1, 2, 3, बट इसमें से 2 पिस्टन ज़्यादा काम करता है आई थिंक, तो इसको लगाया था। और ये वाला जो हमारा कैलिपर्स है, इस तरीके से मूव करना चाहिए। ये देखो स्प्रिंग कर रहा है ना, मतलब इस तरीके से अगर मूव कर रहा है तो ब्रेक एकदम फर्स्ट क्लास है। अब इसका हम डिस्क पैड लगा देंगे। सो ये जो डिस्क पैड है देख सकते हैं, मैंने जस्ट मतलब ओरिजिनल हीरो का पैकिंग में, बट जब मैंने इसको निकाला तो ये मतलब मैच नहीं हुआ। और ये हीरो कंपनी है ओरिजिनल पैकेजिंग में, बट देखो वेंडर देखो वाइब्री है, वाइब्री उसके बाद एएसके, तो एएसके का जो ब्रेक्स हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हैं बिंदास, क्योंकि एएसके कंपनी से ही दे रहा है। तो अभी मेरे पास तो वो वाला पैकेजिंग नहीं है, मैच नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला जो ओल्ड ब्रेक्स हुआ है ये न्यू ब्रेक्स हुआ है, दूसरा टाइप आई थिंक ये होंडा साइन का है 3 पिस्टन का। तो मैं एएसके के पैकेजिंग में लाया हूँ अभी, तो ये मैच हो गया। बट इसमें बाइक भी नहीं लिखा हुआ है, एज यू कैन सी बाइक भी नहीं लिखा हुआ है, बट एएसके है तो सेम सेम है, चल जाएगा। अभी इसको हम लगा देंगे। तो सामने का बर्तन काम हो गया है कंप्लीट, और अभी है अभी हम इसका चेन एडजस्ट कर रहे थे, तो चेन हमने इसका लूज देखा तो हमने चेन को एडजस्ट कर दिया। और इसमें एक बहुत स्पेशल चीज़ है हीरो ग्लैमर, मैंने सोचा कि पहले बताऊंगा। इसका जो पीछे का ड्रम सेक्शन है देख सकते हैं, ये है ड्रम ब्रेक, तो ड्रम ब्रेक में भी एक देखो पंप अटैच है। तो किस कारण से है आप अगर कॉमेंट सेक्शन में बता पाओ तो बहुत बढ़िया होगा, फिर मैं बता देता हूँ। इसका ब्रेकिंग को बहुत इंप्रूव करता है, इसमें देखो पंप लगा हुआ है, नॉर्मली ये 220 में पीछे होता है डिस्क ब्रेक, बट इसमें देखो डिस्क नहीं है, तो पंप के थ्रू इसका जो ये वाला मूवमेंट है, बोलते हैं ना हल्का सा प्रेस करेंगे तब भी ब्रेक आ जाता है डिस्क ब्रेक में, बट ड्रम ब्रेक में क्या होता है हमको ये ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, पूरा प्रेस करेंगे तब भी ये ब्रेक आता है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हीरो ने क्या किया, इसको हल्का सा प्रेस करें डिस्क ब्रेक की तरह, इसका जो ड्रम सेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। मैं आपको सैंपल दिखाना चाहता हूँ, और इसमें भी डिस्क ब्रेक का ऑयल देखो अभी कम हो चुका है, मिनिमम से थोड़ा ऊपर है, तो हम इसको टॉप अप कर देंगे। बाकी इसको व्हील को सो मैं आपको दिखाता हूँ, व्हील घुमा रहा है ये, और अभी हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ये ब्रेकिंग हो जाएगा, देखो देख रहे हो। तो ये हल्का सा प्रेस करते ही इसका जो ब्रेकिंग है हो रहा है, तो मतलब इसका हमने एडजस्ट वगैरह कर दिया है। तो बाकी इसका ये वाला एडजस्ट है ये तो टूटा हुआ है, बाकी मैंने चेन एडजस्टिंग कर दिया है। बाकी ये गाड़ी अभी पीछे का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी इसको हम वॉशिंग करेंगे, और इसका जो चेन का ल्यूब है वो हम नॉर्मल जो इंजन वाला आते हैं वही देंगे, क्योंकि ये कवर चेन है, कवर चेन में हम इंजन वाला यूज़ करते हैं, और जो ओपन चेन आता है उसमें हम जो ब्रेक डिस्क ब्रेक या आपका चेन ल्यूब आता है चेन ल्यूब यूज़ करते हैं। बाकी अभी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं, हम टेस्ट ड्राइव करके देख रहे हैं। और हम इसका चेन का सर्विसिंग कर रहे थे, तो चेन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका चेन साउंड कर रहा है झरझर कर, क्योंकि इसमें ल्यूब हुआ ही नहीं, 12,000 किलोमीटर हुआ है बट चेन में ल्यूब नहीं है। सेकंड इसके चेन से देखो इतना ज़्यादा गंदगी निकला है, तो इसको हम प्रेशर वाशर से क्लीन करेंगे, उसके बाद चेन ल्यूब कर लेंगे, जो चेन ईजी हो जाएगा और साउंडलेस हो जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से हमने इस बाइक को कम्प्लीटली रेडी कर दिया है, और इस बाइक में अभी कोई भी प्रॉब्लम मतलब बड़ा ऐसा सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। और हमने जो ऑयल यूज़ किया है कम मतलब कस्टमर रिकमेंडेड हमने ऑयल यूज़ किया है। बाकी इस वीडियो से आपको कुछ भी नहीं आ सकता मिलना, डोंट कमेंट एंड कमेंट करिएगा, और चैनल पे टेन सब्सक्राइब करके हमको मतलब मोटिवेट करिएगा, ताकि हम आगे इस तरह से और वीडियो ला करें। चलो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता जय।